कैसे हैं दोस्तों, कुंवरनामा के आज के ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और आज ईद मिलाद है, मिलादुन्नबी का दिन है। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज सुबह से लंगर चालू हुए, मैं दिखाता हूँ, अभी दोपहर का लंगर भी स्टार्ट हो गया है। ईद की खुशी तो खीर में होती है और बहुत टेस्टी खीर बनी है। मैं भी दिखाता हूँ आपको कैसा हमारा छोटा सा सेटअप है। सब लोग आ चुके हैं और तैयारी शुरू हो गई है लंगर की। तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा तमाम अम्बिया इकराम, तमाम रसूलान निज़ाम, तमाम साहबे इकराम, ताबईन, तब ताबईन, खुल्फाए राशिदीन, तमाम शुहदा व सालिहीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमाम आल औलाद, अजवाज मुतहरात, अहले बैत अथार, पंजतन पाक की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए अल्लाह आलमीन, इस कुल शरीफ खत्म शरीफ का सवाब हुज़ूर से कितना गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर शेख अब्दुल क़ादिर मुहीद्दीन जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ख्वाजा ख्वाजगान शहनशाह हिंदुस्तान हुज़ूर से कितना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुज़ूर से कितना क़ुतुबुल आरिफ़ीन से कितना शेख मखदूम ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलीरी की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। रूए ज़मीन पर जितने भी औलिया कराम आराम फरमाए उन तमाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह आलमीन, ज़िक्र नबी की बरकत से, ईद मिलादुन्नबी की बरकत से जिन साहिबान ने इस महफिल का इनेकाद किया गया, मौला उनकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, इनकी तमाम जायज़ मकासद में कामयाब व कामरानी अता फरमा। या अल्लाह, इस महफिल के इनेकाद करने में जिन जिन हजरात ने हिस्सा लिया उनके तमाम जायज़ कारोबारों में रोज़गारों में तरक्की अता फरमा, मौला उनके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमा, नबी की मोहब्बत नबी का इश्क उनके दिलों के अंदर गामजन फरमा। साला साल सरकार आ रहे हैं।
In the name of Allah, the most beneficent, merciful and kindful. Shuru Allah ke naam se jo nihayat meherban aur karam wala hai. Shuru us Ishwar ke naam se jiski aseem tam kripaen hum pe maujood hain. Aaj ki ye bas, aaj ki ye mehfil आली जनाब कुंवर शाही साहब के घर के ऊपर आपके कयामगाह पर जश्न ईद मिलादुन नबी दोनों आलम के मालिकुल मुख्तार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यहाँ पर रखी गई है। मैं तहे दिल से अपनी पूरी टीम मेरे साथ असातिज़ाए कराम मेरे साथ लर्नेड स्टाफ मेरे सिलसिले के लोग की जानिब से मैं शाहिद साहब का इंस्पेक्टर साहब का और देवेंद्र जी का और तमाम जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना बड़ा बेशकीमती वक्त मुझको मेरी टीम के लिए दिया। मैं क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का महीना है जिसके अंदर एक वो अज़ीमुश्शान शख्सियत कि उनके बारे में मैं कहना चाहूँ तो कह ना सकूँ, लिखना चाहूँ तो कलम और दवात जिसको कहते हैं स्याही वो ख़त्म हो जाएगी। वो ऐसी शख्सियत, वो ऐसी ज़ात के जब कोई इंसान किसी से जब मोहब्बत करता है और पहली बार मोहब्बत करता है तो वो चाहता है कि अच्छे से अच्छा उसको गिफ्ट दिया जाए, अच्छे से अच्छा वर्ड्स दिए जाएं, अच्छे से अच्छे शब्द बोले जाएं। तो अल्लाह ने अपने हबीब से जो पहली जो गुफ्तगू करी, जो पहला कलाम हुआ, द फर्स्ट मैसेज फ्रॉम अल्लाह, वो बड़ा प्यारी बातचीत हुई है। वो सिलसिला आगे बढ़ते 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 इतना बड़ा कि भाई एक कुरान करीम की एक आयत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाहा फत्तबिउनी। उस्ताद तो बहुत अच्छा है लेकिन शागिर्द अच्छे नहीं है, टीचर तो बहुत अच्छा है स्टूडेंट अच्छे नहीं है। कहाँ पे हम अपने पैगंबर की, अपने अवतार की, अपने नबी की, हम कितनी उनकी हुक्मरानी कर रहे हैं, हम कितना उनके ओबीडियंट हैं, हम कितने उनके शिशकारी हैं, हम कितने उनके आज्ञाकारी हैं। ये एक दिस इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, एक बहुत लंबा विषय है क्योंकि उनका अखलाक, उनका अंदाज, उनकी गुफ्तगू, उनकी तबस्सुम, उनका चलना, यतीमों के लिए मददगार हुए, बेवाओं के हमसफर बने, अमीन भी बने,
अल्लाह ताला ने उनको क्या क्या ना बनाकर भेजा, लेकिन पैगंबर का तो जवाब नहीं है, नबी का तो जवाब नहीं है, लेकिन आज उम्मत कहां पर आ गई है। तो उस्ताद तो बहुत प्यारे हैं, टीचर तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो आज किस माहौल में, किस घड़ी पे, किस मुकाम पे हम लोग आ चुके हैं, ये गौर और फिक्र की बात है। क्योंकि जब अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद, ऐ प्यारे नबी, इनसे कह दो कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबेउनी, मेरी इत्तेबा करो। अब हम कितने परसेंट लोग इत्तेबा कर रहे हैं? 63 ईयर्स आपके पूरे जिंदगी के वक्त गुजरे हैं दुनिया के अंदर, कभी मच्छर नहीं मारा, कभी मक्खी नहीं मारी, और वो सारे आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, उन्हें यही आलम पसंद आया। वो अखलाक, वो अंदाज आज हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे आइडियल तो हैं, लेकिन वो अंदाज, वो गुफ्तगू, वो अमीन, वो अमानतदारी, वो आज हमारे अंदर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, खिरत ने अगर कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह से मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मुसलमान की जात तो वो होनी चाहिए कि जो अपने पड़ोसी को, अपने भाई को कोई नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबेउनी, ऐ मोहम्मद इनसे कह दीजिए कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी इत्तेबा करो, मेरे ओबीडियंट बन जाओ। आज कितने ओबीडियंट हैं हम लोग? रसूल पाक ने फरमाया अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारी नमाजें काम नहीं आएंगी। उस पड़ोसी में ये नहीं है कि कौन से मजहब का है, पड़ोसी से मुराद है। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला अगले साल फिर मुलाकात हो और शाहिद भाई की ये बज़्म सजती रहे, और जब उनका जिक्र खैरुल अनाम होता है तो अल्लाह ताला भी हमारे गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा को बख्श देता है। بِسْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلَى إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا إِلَهِي آج اس رُڑکی کے छोटे से शहर के अंदर और बड़े दिल वालों की महफिल के अंदर जनाब शाहिद कुंवर शाहिद साहब के यहाँ जो जश्न ईद मिलादुन्नबी की जो तकरीब रखी हैं अल्लाह, और इसके अंदर जो हम लोगों ने जो कलाम पेश किया है, जो नात पाक मुस्तफ़ा है, और मेरी तरफ से जो रसूल पाक सस्म का उनके चहीतों का जो जिक्र हुआ है अल्लाह, इसमें कदम सहबन अगर गलतियाँ हो गई हैं तो माफ़ फरमा दी। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अता फरमा दी। ऐ अल्लाह शाहिद भाई को, आपके वालदैन को, आपकी जौजा को, आपके भाइयों को, आपकी बहनों को, आपके जितने भी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं इस गली के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर, मशरक मगरब जनूब शुमाल पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जितने भी लोग रहते हैं, अल्लाह सबके घरों में खुशियाँ अता फरमा दे, सबको ज़िंदगी अता फरमा, सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह शाहिद भाई जो इवेंट्स के काम बड़े बड़े अच्छी तरह से, गैलेक्सी नाम की आपकी जो एक कंपनी है अल्लाह, उसके बैनर तले जो आप काम करते हैं अल्लाह, उसमें उरूज इर्तिका अता फरमा, हलाल रज़क के दरवाजे खोल दे। अल्लाह खुशियों का नुज़ूल फरमा दे, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। अल्लाह शाहिद भाई और शाहिद भाई के जितने भी अजीज व अकरबा हैं दूर दराज में, जहाँ भी रहते हैं अल्लाह, सब पे अपनी रहमतों का आज के दिन के वसीले से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में अल्लाह शाहिद भाई पे और शाहिद भाई के जितने भी दोस्त इस महफिल के अंदर मौजूद हैं सब पे करम फरमा दे। और आज की इस महफिल के अंदर देवेंद्र सर जी मौजूद हैं और इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद हैं, अल्लाह जब तेरी रहमतों का नुज़ूल होता है तो तेरे तो सब बंदे हैं, हम भी तेरे बंदे हैं और ये भी सब तेरे बंदे हैं। अल्लाह तेरी रहमत तो यकसा बरसती है, तेरी रहमत, तेरी इनामात, तेरे इकरामात, तेरे औसाफात, तेरे अल्ताफात तो यकसा हैं। अल्लाह हम सब पे करम फरमा दे। अल्लाह जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन लोगों के लिए मैं क्या दुआ मांगूँ क्या नहीं मांगूँ, तो अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, तो दिलों के हाल जानता है। अल्लाह अपने हबीब के सदके तुफैल में अल्लाह जो हमारे दिलों के अंदर नेक मुरादें हैं, नेक तमन्नाएं हैं, जो नेक दुआएं हैं, अल्लाह बारगाह कबूलियत अता फरमा दे।
ऐ अल्लाह हम गुनाहगार ही सही बदकार ही सही लेकिन हमें नाज है कि हम तेरे हबीब की उम्मत में हैं। ऐ अल्लाह हमें यकीन है कि तू हमारी मगफरत फरमाएगा। ऐ अल्लाह हमें यकीन है तू हमारी बख्शिश फरमाएगा। ऐ अल्लाह हमें यह भी नाज है कि तेरे प्यारे महबूब व तेरे हबीब की हम उम्मत में है। और दूसरा हमें यह नाज है कि हम सब लोग साबरी गुलाम हैं। ऐ अल्लाह साबिर पाक के ये इलाका साबिर पाक का है, पूरे उत्तराखंड के साबिर पाक की नज़र करम है। अल्लाह हम सब लोग जितने भी दूर दराज से आए हैं साबिर पाक के कुल शरीफ के अंदर आए, अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जो नहीं आ पाए उनकी गायबाना हाजिरी को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं को लिखा है, नेक तमन्नाओं को लिखा है, नेक मुरादों को लिखा है कि साबिर पाक में हमारी जानिब से कदम बूसी सलाम पेश करिएगा, साबिर पाक सबका सलाम कबूल कर लीजिए। ऐ अल्लाह आज इस महफिल के अंदर जो शाहिद भाई ने करी है, अल्लाह इस महफिल में और ज़िंदगी सेहत के साथ हम लोगों को अगले साल फिर नसीब अता फरमा दे, खुशियों के साथ अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जब तक अगले साल, एक साल तो बहुत जल्दी चला जाता है, अल्लाह शाहिद भाई से बार बार मुलाकातें हों। ऐ अल्लाह शाहिद भाई बहुत प्यारी शख्सियत हैं, ऐ अल्लाह उनकी मोहब्बत में और इजाफा अता फरमा, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। ऐ अल्लाह शाहिद भाई को चांद सा बेटा अता फरमा दे, खुशियाँ अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तेरा ख़जाना लबरेज है। ऐ अल्लाह चंद कतरे हम तेरे कर्म के हम भीख मांग रहे हैं, हम पे करम फरमा दे। या खुदा तू मेरी दुआओं में वो असर कर दे, मांगूं मैं तुझसे कतरा तू समंदर कर दे। या खुदा जिसमें जब तक ये मेरे जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है अमीर, नजा के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। इलाही खैर गर्दानी बहक शाही जीलानी, इलाही ताबुवद खुर्शीद माही चरागे चिश्तियारा रोशनाई, वसल्लल्लाहु ताला खैर खल्के ही व नूरे अर्श ही मुहम्मदी वाले ही वसहाबी अजमाइन बिरहमते का या अरहमर राहिमीन। बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।